नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको ब्रिक की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, बहुत दो तीन वीडियो मैंने आपको आपके आपके लिए बनाए हुए हैं, फिर भी मुझे सवाल पूछे जाते हैं, सर मेरा घर इतने बाय इतने का है और उसके लिए कितना ईंटें लगेगी, ये लगेगा वो लगेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मतलब आसान और सबसे सिंपल किया है मैंने, तीन चार बार कोशिश की है फिर भी मुझे कमेंट्स आ रहे, इसलिए मैं अभी ये फुल एंड फाइनल एक बहुत बढ़िया आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, ताकि ये हर किसी बंदे को समझ सकता है, वो चाहे सिविल से रिलेटेड हो या ना हो फिर भी उसको समझेगा ज़रूर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपको ये समझाते हैं कि मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, ऐसा आपका एक रूम बनाने वाले हैं आप, ठीक है, ये रूम रहेगा, ठीक है, शायद यहाँ पे दरवाज़ा वगैरह वो बाद में, ये पूरा वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सभी क्वांटिटी एकदम डिटेल में निकालना आ जाएगा, ये मेरा गारंटी सर आपको। ये जो है ये मान लीजिए ये दीवार है, ठीक है ना, ये भी दीवार है, लेकिन हम सिर्फ एक ही दीवार का अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करते हैं, मतलब उसका ही एक एग्जांपल यहाँ पे देंगे। इसका लेंथ है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर है, और ऐसे भी मतलब एक चीज़ में आई मान लीजिए ऐसा भी जो है विड्थ है उसका दीवार का, दीवार भी मतलब ऐसे आप मोटी बना रहे हैं ऐसा मान लेते हैं, मतलब समझने के लिए आपको सिंपल जाए इसलिए मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 मीटर, ठीक है, सॉरी 1 मीटर, और इसका हाइट जो होगा, इसका हाइट दीवार का वो भी ही मान लीजिए 1 मीटर है, ठीक है, ये समझ गए आप। मतलब अभी यहाँ पे भी दीवार है, यहाँ पे भी है, लेकिन हम ये नहीं ले रहे अभी, सिर्फ एग्जांपल और वीडियो छोटा करने के लिए सिर्फ एक ही दीवार का हम एग्जांपल ले रहे हैं, और आपको ये तो समझ में आ गया कि इसका लेंथ 1 मीटर लिया है हमने, और हमें जो चौड़ाई में दीवार बनानी है वो भी 1 मीटर की बनानी है, रहती तो 150 mm की है, 6 इंच का या फिर 4 इंच का ही रहता है, लेकिन आप उस तरह से भी क्वांटिटी निकाल पाएंगे, लेकिन वो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया, तो इससे शायद थोड़ी आसानी हो सकती है समझने में। इसका हाइट भी हमने 1 मीटर लिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये एरिया के लिए हम सोच रहे हैं कि ये एक दीवार बनाने के लिए मुझे कितना ईंट लगने वाला है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं उसको, 1 मीटर लेंथ इंटू 1 मीटर विड्थ इंटू 1 मीटर हाइट, तो कितना हो गया ये 1 मीटर क्यूब, 1 m³ बन गया, मतलब अपने पास जो है 1 m³ जगह है, बराबर है, 1 m³ जगह है, तो 1 m³ के लिए मतलब कितना ईंट लगेगा ये हम इसको 1 क्यूबिक मीटर आप बोल सकते हो, ठीक है ना, ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर मतलब 1 क्यूबिक मीटर हो गया ये, ठीक है, 1 CFT, 1 CFT भी बोल लिख सकते हैं आप, 1 क्यूबिक मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो अपने पास अभी 1 क्यूबिक मीटर एरिया है इतना, ये एक दीवार जो है 1 क्यूबिक मीटर की है, तो इसको कितना ब्रिक लगने वाला है ये मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। ये जो कैलकुलेशन है जो मैं बताने जाऊँगा आपको, वो एक स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड रहती है ब्रिक का साइज़, जो कि सबको पता है स्टैंडर्ड साइज़ जो रहता है, वो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ आपको, ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज़ मतलब वो मेंशन कर देता हूँ मैं, ब्रिक स्टैंडर्ड साइज़, ठीक है, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उसका रहता है 190 mm रहता है अपना लेंथ में ऐसे, ठीक है, और उसका 90 mm विड्थ में रहता है वो, और उसका हाइट ब्रिक का भी 90 mm रहता है, ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज़। ये ब्रिक ये एरिया को कितना लगेगी, मतलब 1 m³ को कितना लगेगी ये दीवार बनाने को, ये स्टैंडर्ड साइज़ का ब्रिक अगर मैं यूज़ करता हूँ, तो ये वीडियो उसके बारे में है, ठीक है। अभी जब हम दीवार बनाते हैं तो इस हिसाब से ये जो दीवार बना रहे हैं ये दीवार ऐसे बनेगी, ठीक है, एक डायग्राम बना लेता हूँ छोटा सा, ठीक है, ऐसे ब्रिक रहेंगे, तो ये जो ब्रिक रहता है ब्रिकवर्क होता है इसके बीच में देखो ऐसा एक जॉइंट में हम मोर्टर देते हैं, ठीक है, ये पता है मुझे सब बेसिक और कॉमन सेंस वाली बातें दोस्तों, लेकिन क्या है एक बार आप समझ लेंगे ना, ये हाईलाइट भी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये छूट जाता है आपसे और गलती यही पे कर देते हो आप, ब्रिक तो निकल जाएगा आपको मोटा मोटी, ज़्यादा कमाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें बहुत पड़ता है, इसमें कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ चीज़ रहती है, तो इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है, ठीक है, मोर्टर नीचे भी लग रहा है,
ये साइड में भी लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये एक ब्रिक है ठीक है, तो इसके ऊपर भी लग रहा है, साइड में भी लग रहा है, ये साइड में भी लग रहा है और नीचे भी लग रहा है मोर्टार। मतलब ये अगर ईंट है तो मान लेते हैं हम कि ये ब्रिक का जो मोर्टार है वो मोर्टार रहेगा 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm। तो ये कितना हो गया फिर, 200 mm बराबर विथ मोर्टार, लिख देता हूँ यहाँ पे 200 mm, यही ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज ही हो, इंटू ये 100 mm बन जाएगा, फिर इंटू ये 100 mm बन जाएगा बराबर। ये हो गया मोर्टर के साथ, ये हो गया विदाउट मोर्टर के साथ ठीक है, जो कि यहाँ पे लग रहा है, लगने वाला है मोर्टर आपको ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने ये वाले भी मोर्टर के साथ में भी उसका साइज लिख दिया ब्रिक का, जो स्टैंडर्ड ब्रिक में यूज़ करने वाला हो। अभी जो ये ब्रिक का है, इसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मीटर में करना है इसको। अभी मैं वीडियो शॉर्ट कम टाइम का बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ऑलरेडी मान लीजिए कि इसके आगे अगर आप 0 पॉइंट कर देंगे तो मीटर हो जाता है, इसके आगे भी 0 पॉइंट कर देंगे मीटर हो जाएगा, इसके आगे भी 0 पॉइंट कर देंगे मीटर हो जाएगा, सेम ये भी इसके आगे 0 कर देंगे मीटर हो जाएगा, इसके आगे 0 कर देंगे मीटर हो जाएगा, इसके आगे 0 कर देंगे मीटर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू अगर आप निकालते हो तो आपको ये आना चाहिए स्टैंडर्ड ब्रिक का जो है 0.00159 आएगा बराबर ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया हमने, मीटर कर दिया ना, अभी मीटर मीटर मीटर, ये जो mm लिखा है ये छोड़ दो अभी, क्योंकि 0 लिखा है ना, या फिर m कर सकते हैं हम, m कर सकते हैं ठीक है, ये m हो गया। अगर ये मीटर 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 का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये क्या हो गया, ये भी मीटर क्यूब हो गया, मतलब इसको ये भी बोल सकते हैं आप क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर ठीक है, क्यूबिक मीटर बोल सकते हैं, एम क्यूब भी बोल सकते हैं, CFT भी बोल सकते हैं, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। इसका भी सेम हो जाएगा, इसको मीटर कर दिया, इसको मीटर कर दिया, इसको भी मीटर कर दिया। अभी इसका जो है, इसका जो आपका वैल्यू आना चाहिए वो आएगा 0.0, हाँ स्टैंडर्ड ब्रिक का है ना, 0.02 m³ रहेगा ठीक है, मतलब क्यूबिक मीटर इसका ये मोटर रहेगा। अभी यहाँ पे सीधा क्या करना है आपको कि एकदम आसान हो गया दोस्तों, देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, मेरे पास अभी स्टैंडर्ड साइज़ भी है विदाउट मॉर्टर और मॉर्टर के साथ भी है, ये फिगर फिर से एक बार देख लो आप, बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी आपको मतलब कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और का वीडियो देखने की, और कहीं और आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कन्फर्म फिट हो जाएगा आपके 100% माइंड में बैठ जाएगा। तो एक सिर्फ ये सिंगल ब्रिक का ले रहे हैं हम ठीक है, और एक ये जो लग रहा है इसको, ये जो मटेरियल मॉर्टर मसाला जिसको बोलते हैं हम, ये साइज़ भी पकड़ रहे हैं हम पूरा इसके साथ में, और सिर्फ ईंट भी पकड़ रहे हैं, ये सिर्फ ईंट हो गया और ये हो गया मोर्टर के साथ में। तो सिंपल सा फंडा है, अपने पास जगह कितनी है, 1 मीटर है ना, ये दीवार जो है ये 1 मीटर, सॉरी 1 क्यूब क्या है, 1 क्यूबिक मीटर की है, तो अपने पास 1 क्यूबिक मीटर जगह है, वो जगह में मुझे ऐसे इस तरह से बांधकाम करना है। तो मुझे ब्रिक कितना लगेगा यही निकाल रहे हम, मोर्टर कितना लगेगा ये भी है, अलग टॉपिक है ठीक है, फिर उसके बाद में रेती कितना लगता है, जो भी है पानी कितना लगता है, वो भी अलग एक वीडियो रहता है, वो बना चुका हूँ मैं, आप पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा ब्रीफ हो जाएगा उसके बारे में। फिलहाल हम तो ब्रिक के बारे में अभी सोच रहे हैं, और मोर्टर भी निकल जाएगा क्योंकि अपने पास दो साइज़ है, तो ये माइनस करने के बाद वो भी आ जाएगा ठीक है, मतलब सिंपल है वो। तो मेरे पास है 1 मीटर जगह, 1 मीटर क्यूब, सॉरी बार बार वही आ रहा है, 1 मीटर क्यूब एरिया मेरे पास है, नहीं सॉरी वैल्यू में मेरे पास मतलब वॉल है जो मुझे बिल्ड करनी है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल से ये मतलब ये जगह में, अभी देखो यहाँ पे इमेजिन करना है आपको, लॉजिक लगाना है, ये जगह है, ये जगह में ये वाली जो ब्रिक है ये लगानी है मुझे ठीक है। तो इतने सारी जगह में ये ईट अगर मैं डिवाइड कर दूँ इसकी साइज़, तो इसके टुकड़े टुकड़े पड़ जाएंगे बराबर है, ये जगह को अगर इसको डिवाइड कर दूंगा मैं, भाग भाग पाड़ूंगा करूंगा उसके, तो नंबर ऑफ ब्रिक ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये साइज़ के सभी कितने पीसेस यहाँ पे लगने वाले वो मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही करते हैं फिर हम, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जो लोग सिविल से रिलेटेड नहीं है या फिर नए नए ज्वाइन किया है सिविल में, तो उसके लिए मैं एक डायग्राम भी बना देता हूँ दोस्तों आपको, तो आपका कन्फ्यूजन वो भी दूर हो जाएगा। ये ऐसा है मेरे पास 1 मीटर, ऐसा है मेरे पास 1 मीटर, ये दीवार है दोस्तों ठीक है, ऐसी जा रही है दीवार लंबी, चौड़ाई भी हमने 1 मीटर ली है, और उसका हाइट जो है, इसका इसका हाइट भी है, ये लिखा है यहाँ पे, सॉरी
और इसका थिकनेस जो रहेगा ये, मतलब ऐसे बॉक्स बॉक्स बनाना पड़ेगा वो, ठीक है, इस हिसाब से, या फिर ऐसे बना सकते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं अच्छे से। ये डायग्राम बन गया, यहाँ पे ऐसा बॉक्स बनाना पड़ेगा ना वो, तब जाके समझ में आएगा। ये देखिए, मान लीजिए ये दीवार है, ये कितना है 1 मीटर, ये जो है इसके लिए मुझे डायग्राम बनाना पड़ा, ठीक है, ये जो है 1 मीटर है, और ये जो हाइट है अपना जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो भी 1 मीटर है ना। अभी इसमें मुझे ये ईंट डालनी है, लगानी है, तो यहाँ पे कितना ईंट ये साइज़ का बैठेगा वो निकालना है। सिंपल लॉजिक है, अगर मान लीजिए अभी ये बॉक्स मैंने आपको बना के दे दिया, ठीक है, अभी सिंपल बनाते हैं उसको वो बॉक्स को, ताकि समझने में आसानी हो, उसमें ब्रिक नहीं समझेगा। अभी यहाँ पे ये मैंने बांध काम कर रहा हूँ, मान लीजिए ये यहाँ पे, ठीक है, ये ब्रिक्स है मेरा, ठीक है, सब ब्रिक है, ये भी ब्रिक है, सेक्शन में देख रहे हैं आप अभी इसको। ये मान लीजिए मैंने बांधकाम कर दिया, कौन सी, यही वाले बॉक्स में, यही वाला बॉक्स में यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये साइड है 1 मीटर, ये साइड है 1 मीटर। ये डायग्राम मैंने यहाँ पे ले लिया अभी, ठीक है, तो अभी सेक्शन में समझ में आएगा आपको, इसलिए मैं 3D नहीं कर रहा हूँ उसको। तो अभी ये ब्रिक है, यहाँ पे मैंने ब्रिक वर्क कर दिया है, मान लीजिए ये ब्रिक वर्क कर दिया, मतलब ये तो हो डिसाइड हो गया कि ये साइज़ का जो ब्रिक है मेरा, जो भी मेरा साइज़ का ब्रिक है वो ये जगह में मैंने फिट कर दिया, ये समझ गए आप, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जितने भी ईंटें हैं मुझे मेरी इस जगह में बैठ चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 m³ मेरे पास जगह है, उसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ ये ब्रिक से, बराबर है, जो कि मेरे पास यहाँ पे है स्टैंडर्ड ब्रिक का वैल्यूम। तो क्या करना है मुझे, 0.00153 m³। अभी ये m³ एक जैसा होना चाहिए, अगर ये सेंटीमीटर में है और ये आप मीटर में कर रहे हो, ये सेंटीमीटर में निकाला और ये भी सेंटीमीटर में निकालना है आपको, ये फीट में निकला है, क्यूबिक फीट में निकाल रहे हैं, तो ये भी क्यूबिक फीट में निकालना है, ये इंच में निकल रहा है क्यूबिक इंच में, तो ये भी क्यूबिक इंच में निकालना है, तभी आपको सही क्वांटिटी मिलने वाली है। ऐसा नहीं कि ये मीटर में और ये फीट में कर दिया, ये मीटर में और ये इंच में कर दिया, ये मीटर में और ये mm में कर दिया, तो गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, एक चीज़ आप एकदम परमानेंटली आपके दिमाग में रखना है आपको, कि कोई भी चीज़ का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, डिवाइडेशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, जो भी करना है, तो सबसे पहले अगर वो अलग अलग चीज़ में है, कोई फीट में, कोई इंच में, कुछ अलग अलग उसका कास्ट है, तो उसमें उसको एक कास्ट में लाना है आपको, मतलब इंच और मीटर है तो या तो इसको इंच इंच में कर दो दोनों को, या फिर दोनों को मीटर मीटर में करवा दो, बाद में ही उसका कैलकुलेशन करना है, उससे पहले कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। तो ये सेम सेम है, तो सिंपल से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये एरिया को डिवाइड कर रहा हूँ ये ब्रिक का एरिया के एरिया से, एरिया मतलब वैल्यूम मेरा कहने का मतलब है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो कैलकुलेशन है, तो वो नंबर ऑफ आपका ब्रिक आया गया कि इसका जो लगने वाला है आपको इसका ये एरिया के लिए, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट क्लास ब्रिक, स्टैंडर्ड ब्रिक, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड बोले ना हमने, तो स्टैंडर्ड ब्रिक्स, ठीक है, ये आ गया आपका नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स में आ गया आपका। अभी मोर्टर के साथ अगर हम लेते हैं 1 m³ / 0.002 m³, है ना, यहाँ पे है, दिख रहा है, हाँ ये यहाँ पे है, तो ये आ गया नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स विथ मोर्टर, ठीक है। अभी मोर्टर के साथ में अगर आप ले रहे हैं, इसके साथ भी जो ले रहे हैं अभी, ये तो सिंपल है आपके पास में, ये 1 m³ मान लेते हैं, ये मेरे पास 1 मीटर है, डिवाइड बाय 0.00159, इसको कर दिया, तो ये जो ब्रिक आए मेरे पास 650 नॉज नंबर्स, ठीक है। और सेम वही करते हैं, 1 मीटर डिवाइड बाय 0.002, ये आ गए आपके 500,
नग, ठीक है, तो इसमें वेस्टेज भी पकड़ा जाता है। तो आप अभी के लिए तो इतना आपको समझ में आ गया कि ये भी करते हो आप, मोर्टर के साथ में भी अगर साइज निकालते हो तो आपको ब्रिक का क्वांटिटी मिलने वाला है, ठीक है, लेकिन उसमें वेस्टेज भी पकड़ना है। तो आप 650 भी पकड़ सकते हो 1 मीटर के लिए, या 500 भी पकड़ सकते हैं। आपको अगर ब्रिक बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी के ले रहे हैं, तो आपको वेस्टेज पकड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन वेस्टेज होता ही है, ठीक है, शिफ्टिंग में उसको मतलब जब कॉर्नर्स में जॉइंट में आते हैं, छोटे छोटे टुकड़े लगाने पड़ते हैं, वहाँ पर भी मतलब वेस्ट होता है ब्रिक का। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये तो समझ गया है कि विदाउट मॉर्टर मॉर्टर आपको 650 ब्रिक्स लगने वाले हैं, विथ मॉर्टर आपको 500 ब्रिक्स लगने वाले हैं। ओके, ये तो समझ में आ गया। अभी इसका सिंपल से अगर आप इसको इसमें से ये 500 हटा दोगे तो आपको 150 ब्रिक्स का मॉर्टर लग रहा है आपको। ब्रिक्स 150 ब्रिक के साइज़ का मॉर्टर लगने वाला है आपको इतनी जगह पे बांधकाम करने के लिए। तो ये भी आसान हो गया दोस्तों। 1 ब्रिक का साइज़ कितना है, वॉल्यूम कितना है, ये तो सब वॉल्यूम के हिसाब से है, ठीक है। 1 ब्रिक का आपका वॉल्यूम था 0.001539, ठीक है, ये आपको मॉर्टर समझ में आ जाएगा, 0.001539 M³ आपको 1 ब्रिक के लिए लगता है, 1 ब्रिक का साइज है ये, ठीक है। तो मतलब ये ब्रिक में है ना अभी, तो ये हो गया आपका क्यूबिक मीटर में, मीटर में आपका मॉर्टर निकल गया, ठीक है, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे। और इसको क्यूबिक मीटर में क्यूबिक फिट करके क्यूबिक आप इसका ब्रास भी बना सकते हो, और इसको सीमेंट अलग कर सकते हो, वो भी उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियोस बनाए हैं आपको, तो आप सर्च कीजिएगा, चैनल के ऊपर अवेलेबल है। मैं सिर्फ आज तो इतना ही आपको समझाना चाहता था कि आपको बहुत क्वांटिटी का दिक्कत हो रहा था बहुत सारे लोगों को, कि कितना मुझे ईंटें लगेगी, कितना मैं घर बनाने जा रहा हूँ, इतने बाई इतने का मेरा ऐसे सवाल पूछते हैं, घर है तो उसको मुझे ब्रिक कितना लगाएंगे। तो आप खुद निकाल सकते हो दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं, एकदम सिंपल सी लॉजिक है। अगर ये भी 1 मीटर है, बराबर है, सेम 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर, तो हो गया मेरे पास 2 मीटर, ठीक है, 3 मीटर, ये भी उतनी है, तो 4 मीटर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें दरवाज़ा है तो दरवाज़ा हट जाएगा, ये कम बन जाएगी, इसका वॉल्यूम कम बनेगा, 1 मीटर क्यूब से थोड़ा कम बनेगा। तो यही है टेक्निक, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।